पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहे। हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि जो लोग हम लोगों को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस पर्सन, सफाई कर्मचारी और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, और मैं तो कहूँगा कि प्रशासन के लोग भी, जैसे हम महेंद्रगढ़ की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, तो SDM साहब, BC साहब, सब लोग लगे हुए हैं। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि उन लोगों को भी भगवान स्वस्थ रखे और उनके परिवार को ताकत दे, जिससे कि वो लोग अपने घर पे बड़े अच्छे से रह सके और उनके बच्चे देश के लिए काम करें और बड़ा अच्छा सा नाम कमाएं, अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी बड़ी अच्छी सी निभा रहे हैं वो लोग। और हम सचमुच में सारे लोग प्रार्थना करें कि भगवान उनको खुश रखे, उनको स्वस्थ रखे। अगर वो लोग स्वस्थ हैं तो हम लोग स्वस्थ हैं। अपनी जान जोखिम में डाल के ना हम सबको बचाने के ऊपर लगे हुए हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग जरूर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज आप लोग बड़े लकी कि आपके सामने आपके सीनियर सारे हैं, उनके व्यूज में आप लोगों के साथ साझा करूंगा, उनसे जरूर सीखे आप लोग किस तरीके से वो लोग सफल हुए। आपके सामने सबसे पहले मैं चाहूंगा कि निशिता बच्ची अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो अपना वीडियो ऑन करे और सबके सामने अपने व्यूज रखे। निशिता, यस यस, अनम्यूट करें बेटा, आप अपने मोबाइल को अनम्यूट करें, लैपटॉप को। निशिता, यस सर। निशिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बड़े दिनों के बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से बात होती है, चाहे कितने टाइम बाद हो। अच्छा, आप एक बड़े बड़े कॉन्फिडेंट, एक बड़े इंटेलिजेंट, बड़े लेबोरियस बच्चे रहे हैं। आपके पापा ने हमेशा एक बात बोली है कि मेरी बच्ची सबसे बेस्ट, और मेरे को वो सेंटेंस आज तक भी याद है कि भाई साहब का जो कॉन्फिडेंस, आपके पापा का जो कॉन्फिडेंस है वो आपके चेहरे पर दिखाई देता था मेरे को। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि भाई आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आया और पापा के अंदर कॉन्फिडेंस आपने कैसे पैदा करा, प्लीज एक बार हम चाहेंगे सबके सामने शेयर करें। आपके सामने 295 आपके जूनियर्स इस बात को सुन रहे हैं। सर, कॉन्फिडेंस आने के लिए सबसे पहला स्टेप ये था कि मैंने 9th क्लास में RPS ज्वाइन किया, तब मेरे को ये समझ आया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसे तैयारी करनी है, तो वो एक स्ट्रीक शुरू हो गया। लाइक पहले NTSC एंड आफ्टर दैट नीट, तो एम्स मिलते चले गए कि ऐसे ऐसे एम्स खत्म करने हैं, और उस हिसाब से फिर बहुत सारा मॉरल बूस्टअप करने के लिए टीचर्स थे, आप लोग थे और पेरेंट्स भी थे, तो जब सबको इतना यकीन होता है आप पे, तो आप पे भी प्रेशर आ जाता है और आपको लगता है कि मेरे को उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है, काइंड ऑफ आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपने जब 10th में NTSC क्रैक किया तो क्या आपका कॉन्फिडेंस जो है किस लेवल पे गया, किस लेवल पे आपको लगा कि आप तो मैं जो चाहूंगी वो पा सकती हूँ? सर, जब NTSC क्रैक किया था उससे पहले कोई ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम्स नहीं दिया था, तो फिर उससे पहले मुझे लगता था कि मैं अपने स्कूल में टॉप कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। मे बी जो लोग ऑल इंडिया रैंक्स लाते हैं वो कोई अलग ही ब्रीड होती है, एंड उस वक्त तक पता नहीं था कि हम भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन जब NTSC एक बार क्वालिफाई आया तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि जब मैं इतने टॉप में आ सकती हूँ तो फिर तो मैं नीट भी क्रैक कर सकती हूँ और एम्स भी क्रैक कर सकती हूँ। जरूरी है ताकि उनके साथ फ्रेंडली डिस्कशन में उनकी शॉर्ट कमी, उनके स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम, 2-3 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सके, उनके फ्रेंडली डिस्कशन, कोई भी बात छिपाए नहीं, आप उनको सॉल्व करोगे, RPS आपके पास कैटलिस्ट बैठा है, तो यू कैन डू एनीथिंग विदाउट LL, FIDDI, नथिंग, नो कोटा, नथिंग। सर, एक बार जब एम्स का रिजल्ट आया तो मैं अक्सर पहले आपको कहता था कि आपकी बच्ची डिजर्व करती है AIR 1 के लिए, राइट, और आपको लगता था पता लियर बनी सर और इनके टीचर्स तो वैसे ही बोलते हैं, जिंदल सर, SP सर और ललित सर। जब रिजल्ट आया तो मैंने आपके पास फोन मिलाया तो आपका खुशी का ठिकाना नहीं था उस दिन आपने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोली कि भाई मनीष सर सचमुच में आप सही कहते थे, तो मैं वो एक्सपीरियंस चाहूंगा कि आप प्लीज पब्लिक को बताएं, प्लीज पेरेंट्स को बताएं।
बिल्कुल सही कह रहे हो सर, उस समय पे मैं ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इसके बारे में हम ऑल इंडिया रैंकर हो सकते हैं। फर्स्ट 10 के अंदर हम स्टैंड कर रहे हैं, हम ऑल इंडिया रैंक गेम्स के अंदर, तो उसके बारे में ये हम तो ये चीज मान के तर रहे थे कि अपने एक रूटीन के हिसाब से तर रहे थे, लेकिन आपके टीचर्स को कॉन्फिडेंस, आई रिमेम्बर राकेश व्यास जी को, एसपी जी को, इन लोगों को, दे वर एक्सपेक्टिंग नो, बोले राजदीप जी क्या कह रहे हो आपने, मतलब वी कैन बी द टॉप रैंकर, ये हमेशा कहते थे वी कैन बी द टॉप रैंकर। मैं कहता था कोई बात नहीं उसके बारे में, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो आप बड़े लकी हैं कि आपके दोनों बच्चे आपका भी नाम कमा रहे हैं, देश का भी नाम कमा रहे हैं, और आने वाले समय में सचमुच में ये देश के लिए असेट्स होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा अच्छा लगा। और बेटा ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, नाम कमाने डॉक्टर नरेश देहान की तरह। सर ये पहली सीडी आपने दिखा दी, अब आगे की सीढ़ियां, इट वाज ए फर्स्ट माइलस्टोन, आगे तो इसको कवर करना है, खुद की मेहनत पे बच्चे आगे जाएंगे। और लाइफ में हम आपके साथ मरते दम तक खड़े हैं, मरते दम तक खड़े हैं हम आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आगे थे और आपने तो कहा सर मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी मम्मी ने कहा सर मैंने बड़ी मेहनत की इसके साथ, अब ये तो सब कुछ हारे बैठी है, हिम्मत हारे बैठी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी लाइफ, किसी भी बच्चे की लाइफ में ऐसा ऐसा टाइम ना आए, उसके लिए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूंगी, खुद पे विश्वास रखो। और एक बात होती है कि हर किसी बच्चे के लाइफ में ये फेज आता है, मतलब कितने भी सीनियर से पता कर लो या फिर किसी से भी पूछ रहे हैं तो सभी बोलते हैं कि लास्ट में यही स्टेज होती है। तो दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो वो जो इससे स्मूथली निकल जाते हैं, तो उनका हो जाएगा, और अगर हिम्मत हार के बैठ जाओगे ना तो जो क्रूशियल टाइम है इसे लॉस कर दोगे, और फिर ये कभी वापस नहीं आएगा, रिग्रेट ही होगा इससे। मैंने अंकित भैया से बात की थी लास्ट में, तो उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया, तब जाके लगा कि जब मेरे सीनियर कर सकते थे इस टाइम को, उन्होंने भी ऐसे पास किया, तो शायद मेरा भी हो जाएगा। अंकित भी आपकी आवाज सुन रहा है, अभी अंकित भी आएगा आपके बाद ना। अच्छा जब रिजल्ट आया तो मैंने आपके पास फोन मिलाया, मेरे साथ सारे अखबार वाले थे, मैंने माइक के ऊपर स्पीकर डाल दिया, स्पीकर के ऊपर मोबाइल डाल दिया, तो मैंने पूछा आपके अंजलि आपके 662 मार्क्स आए आउट ऑफ 720, अगर मैं ठीक हूं तो बताएं 662 ही मार्क्स थे ना? यस सर। 662 मार्क्स थे आपके 720 में से, तो मैंने आपसे पूछा कि भाई आप 720 में से 720 ला सकते थे या नहीं ला सकते थे, तब आपका आंसर क्या था प्लीज बताएं? ला सकते थे सर बिल्कुल, क्योंकि जब वो क्वेश्चन देखे ना वो वही थे जो बहुत आसानी से हो सकते थे। मतलब आप में पोटेंशियल था, हम कहते तो ठीक थे, मतलब टीचर्स ने सब कराया था, वो सब हो सकता था, शायद लास्ट में रिवीजन की कमी लगा लो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ गलत हुए, कुछ थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई, पर ऐसा नहीं था, मतलब जितना टीचर्स ने कराया था उसके बेसिस पे 720 आ सकते थे, ये मुझे पेपर देखने के बाद एहसास हुआ, पहले आप बोलते थे तो कभी नहीं हुआ। चलो चलो, अब इससे आप लोग बच्चे सभी जरूर सीखे कि जो टीचर आपका जो जो सेंटेंस बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, स्कूल जो बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, आप जरूर उन गाइडलाइंस के ऊपर जरूर चलें। आप बेटा फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं अंजलि? सर मैं ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहती हूं। ओके, हम चाहेंगे आपके मम्मी पापा भी अगर साथ हैं तो दो मिनट उनसे भी बात करना चाहेंगे। सब मम्मी हैं। हाँ, मम्मी का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते सर जी। मैडम नमस्कार। मैडम आज बड़ी खुशी हो रही होगी कि आपके बच्चे ने आपका नाम रोशन किया और इस तरीके से इस मंच पे आके ना और बच्चों के साथ रूबरू हो रही है। सर बहुत खुशी हो रही है भाई, अच्छा लग रहा है, और आपको देखकर भी बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे बच्चों को याद कर रहे हो। धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपको क्या लगा बच्चे की लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था कि वहां से इसने सफलता की सीढ़ी चढ़ ली और ये सफल हो गई? आरपीएस ही था सर हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात, फिर मैंने आरपीएस में करवाया, फिर मैंने पूछा भी कईयों से, तो उन्होंने बताया आरपीएस रेवाड़ी बेस्ट है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मैंने इसको डाला, डालने के बाद बच्ची थोड़ी सी 7th-8th पोजीशन पे आई, हमें लगा कि हाँ बहुत मतलब नहीं कर पाएगी बच्ची, लेकिन इसने मेहनत की, और सबसे बड़ी बात है टीचर्स की, टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं सर, बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, और पर्सनली आप, हमारे बच्चे ने मतलब एकदम स्मूथली बहुत अच्छी तरह इसका सब कुछ हुआ, बस लास्ट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लॉस होने की वजह से थोड़ा ये हुआ सर। अंजलि बाकी हम आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे अंजलि कि कौन कौन सी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बुक पढ़नी चाहिए? अभी निशिता ने बताया था, आप भी अपनी प्लीज बात रखें।
सर फिजिक्स के अंदर तो जो जिंदल सर के नोट्स है उन्हें अच्छे से करो, नोट्स को मतलब क्लास अच्छे से अटेंड करनी है, वो जो पढ़ाते हैं उसे कंसंट्रेशन के साथ करो, एक ऑनेस्टी के साथ वो जो क्वेश्चन बोलते हैं वो जरूर करो, जैसे वो जो भी बुक फॉलो कराते हैं और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराते हैं जैसे बाकी बुक के अलावा, एक तो डीसी पांडे फॉलो कराते हैं और बाकी भी, वो ऑनेस्टी के साथ करो, वो जरूर करना है तो वो हो जाएगा फिजिक्स को। और जिंदल सर की कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि जिंदल सर जो कॉन्सेप्ट बनवाते हैं उसके बेस पे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अच्छे से। और हमें तो एसपी सर और जुनैद सर पढ़ाते थे बायोलॉजी में, तो उनके जो नोट्स थे वो मोर देन सफिशिएंट थे। और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजी के अंदर, तो एसपी सर ने तो बिल्कुल लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड डायग्राम भी सब कुछ रटवा दिया था, मतलब वो एसपी सर करा देते थे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी उसमें। और केमिस्ट्री के अंदर ललित सर बहुत अच्छे नोट्स बनवाते थे और क्लास में ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते थे, बाकी क्वेश्चन बैंक वो भी देते थे और क्लास में भी सॉल्व कराते थे, बस जो टीचर कराते हैं ना उसे ऑनेस्टी के साथ सॉल्व कर लो, तुम्हारा सब हो जाए। वेरी गुड मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लकी हैं कि आपको इतने अच्छे बच्चे आपके हैं और आपका नाम और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सर आपकी कृपा है, सारा काम आप लोगों ने किया है, सब परमात्मा का है। बहुत सारे मैडम पेरेंट्स देख रहे हैं, आप पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों की परवरिश तालीम कैसे करें, क्योंकि सभी लोग अच्छा करते हैं फिर भी आपकी बच्ची बड़ी सफल हुई है, तो पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चों को और अच्छे से संभाल के रखो? सर एक तो ये है, आपका सब्जेक्ट हिंदी है शायद, टीचर है आप? सर मैं प्राइमरी टीचर हूँ, जेडीपी प्राइमरी टीचर है, लेकिन मैं जब आपके घर पे गया था तो आपकी इसके सारे यूनिट्स का नाम पता था आपको, मैं ये समझता हूँ। सर मैं बायो स्टूडेंट थी 12th में। अच्छा अच्छा, इसको आपको केमिस्ट्री के भी यूनिट्स पता थी आपको, कि इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, प्लीज बताएं आप पेरेंट्स के लिए। हाँ सर मुझे सारे इसके पता थे चैप्टर्स, क्योंकि मैं बायो स्टूडेंट थी तो मुझे चैप्टर्स वगैरह का सारा पता था, तो मैं इसे पूछती रहती थी बेटा ये हो गया ये हो गया, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे। पर मेनली मेरा तो यही है पेरेंट्स से, 9th से ही बच्चे को ना ऐसे इंस्टीट्यूट में डालना चाहिए जहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, जैसे आपका आरपीएस है, आरपीएस में बच्चे को एनटीएससी की, केवीपीवाई की, फिर 11th में आते ही मतलब इनकी नीट की तैयारी भी साथ में हो गई और कोचिंग भी साथ, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो जब हम अपने कॉलेज में अभी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे जब बच्चे बोलते हैं कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो हम बोलते हैं कि नहीं हम तो सिर्फ स्कूल से, तो वो भी बोलते हैं ऐसा कैसा स्कूल हो गया जो स्कूलिंग भी करा दी और कोचिंग भी करा दी, तो मुझे लगता है आरपीएस जैसा तो कोई भी नहीं होगा इस मामले में। हम तो यही कहना चाहेंगे लोगों को, मैडम प्लस वन में ये विचार नहीं आया आपके कि यार मेरे को तो कोटा भेजना चाहिए या दिल्ली भेजना चाहिए या चंडीगढ़ भेजना चाहिए? नहीं नहीं सर बिल्कुल भी नहीं आया, 11 12th में मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हुई बच्चे को, एकदम इतना स्मूथली चल रहा था सारा काम, टीचर्स पढ़ाते थे ये पढ़ती थी और डाउट्स होते थे तो क्लियर होते थे सारे, मतलब कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमें वहां भेजना चाहिए था बच्चे को। बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत सक्सेस हो, आगे भी बढ़े, बड़ा अपना नाम रोशन करें मम्मी पापा का और देश का। और मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर दोबारा से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमारी बच्ची को अच्छी सी तालीम दी, अच्छी सी पढ़ाई दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आपको धन्यवाद करते हैं जो इसको इतना बनाया। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू।